कपिल महोदय, रौनक महोदय, सर्वेशाम नमो नमः। चारुलता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार हाँ, जो जोर से कम आवाज है, थोड़ा आपका वॉल्यूम मैडम। बढ़ा, आपका बढ़ा ही है वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम एक मिनट में देखता हूँ। नहीं आती है आवाज। कपिल जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है? ठीक से आ रही है। हाँ, मेरा अच्छा, बड़ा करना है। तो चारुलता जी, आप अपने तरफ बढ़ा के देखिए वॉल्यूम, क्योंकि ना, यदि मुझे भी कम आ रही है वॉल्यूम। आपको भी कम है। जी रुको एक मिनट, देखते हैं ऑडियो सेटिंग्स। अभी बोलो, अभी बेटर हुई कुछ? अभी अभी आई। हाँ, अच्छी ना हुई, अभी थोड़ा सही ठीक हो हुई, गया। ठीक हुई। अच्छा, गुड। हाँ, चलिए, सर्वेशाम नमो नमः एक बार फिर से। नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः। तो रौनक जी, आप भी इसकी आदत डाल सकते हैं, सर्वेशाम नमो नमः की। जी तो सर्वेशाम का मतलब सभी के लिए, सभी को। जी तो हम जब भी कक्षा में आते हैं या जाते हैं, तब हम एक दूसरे से ये कहते हैं। और आप लोगों को जब भी मेरी स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा। स्क्रीन दिखने लगा, आया आया। आ गया। हाँ ना, यस स्क्रीन आ यस गई। यस, ठीक है, आम बढ़िया। आम अब ये भी एक छोटी सी चीज है कि जब भी हमको हाँ कहना है तो हम आम कहेंगे। संस्कृत में आम मतलब हाँ, और नहीं के लिए क्या बोलेंगे कपिल जी? नो। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम धीरे धीरे सीखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण से शुरू करते हैं। ओम के उच्चारण से हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जाएं सही दिशा में और सही तरह से संचरित होती हैं। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले, और काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी, आप दिन भर में भी यदि खुद से भी कर रहे हैं, अपने आप से भी कर रहे हैं, तो भी शरीर में हमेशा फायदा होगा, शरीर में हमेशा लाभ होगा। तो हम शुरू करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अ उ और म, जब हम तीनों अलग अलग ध्वनि निकालते हैं, स्वर निकालते हैं, तो उनकी कितनी कितनी देर के लिए कर रहे हैं वो लगभग बराबर रखिए। तो अ यदि 2 सेकंड कर रहे हैं तो वो भी 2 सेकंड, म भी 2 सेकंड। और अपनी अपनी सांस के ऊपर है, तो जिसको जैसे बनता है वो कर सकता है आराम से। चलिए, आंखें बंद। अम्म
अभी के लिए रुक सकते हैं। ओम के उच्चारण के समय यदि हम ये ध्यान दे पाए कि जो अलग अलग ध्वनियां हैं तीनों अ उ और म हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ से वो निकलती हैं कैसे, तो यदि आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ पेट के आसपास से, उ हृदय चक्र के आसपास से, और म की जो ध्वनि है वो विशुद्धि चक्र मतलब हमारे कंठ से गले से निकलती हुई पता चलती है आपको, अंदर से अपने आप पता चलेगा, मतलब उसमें बाहर से कुछ करने का नहीं है। सिर्फ एक आखिरी बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, यदि आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे या कुछ छूट गया तो इस आखिरी बार अपने शरीर के अंदर वो आवाज किधर से किधर जा रही है सिर्फ इसको भी अनुभव करके देखिए। चलिए एक आखिरी बार अति उत्तम। तो अब हम चलते हैं शुरुआती अभ्यास पे, ताकि रौनक जी भी उस जगह पे आ जाएं। और वैसे रौनक जी हम हर कक्षा के बाद उसके वीडियोस और पहले के वीडियोस और पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल डे तारीख से क्रम अनुसार जमाई हुई वीडियोस की लिंक भी शेयर करते हैं ग्रुप में। तो यदि आपको इस बैच में पिछले मेरे ख्याल से लगभग 5-6 कक्षाएं हुई होंगी, और क्योंकि ये शुरुआत की चीज़ें हैं तो आप आराम से यदि वो वीडियोस देख लेंगे और साथ में थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे वीडियोस के साथ में, तो आप भी आपको कई सारी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं वो समझ में भी आ जाएंगी और उसका अभ्यास भी हो जाएगा। तो जी अन्ना, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, हम जब भी कक्षा खत्म होती तो उसके बाद उसमें डाल देते हैं। तो मैं आज जब भी वीडियो अपलोड करूंगा एक बार वो तैयार हो जाता है तो आप देख लीजिएगा, जब चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने संस्कृत अपने विद्यालय में पढ़ी है, अवश्य पढ़ी होगी। जी अन्ना पढ़ी। ठीक है, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी समझ में आएंगी। हम अपनी जो अभ्यास करते हैं हम वो चालू करते हैं, तो आपको अभ्यास हो जाएगा उसका, कि हम लोग एक एक प्रश्न एक दूसरे से पूछते जाते हैं और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते हैं। तो कपिल महोदय, मम नाम अंशु, भवतः नाम किम्? मम नाम कपिलः, भवतः नाम किम्? रौनक जी, मम नाम रौनक, भवतः नाम किम्? मम नाम चारुलता। एक बार फिर से रौनक जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि जब भी हम भवतः या भवत्याः, ये दो अलग अलग उपयोग हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से। ठीक है, तो जब हम चारुलता जी से आप पूछेंगे तो आपको भवत्याः बोलना होगा। ठीक है, और अर्थ दोनों का आपका है, आपका, तो भवतः या भवत्याः मतलब आपका, और हम नाम क्या है पूछ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न पूछिए। अन्ना वो भवतः है ना? हाँ, ये आप फोन पे हैं क्या? क्योंकि ये यदि हाँ ना, मैं फोन पे, हाँ इसलिए शायद छोटा दिख रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा उसको बड़ा कर सकते हैं शायद फोन के स्क्रीन पे भी आप। तो यहाँ पे हाँ, मुझे दिख गया, दिख गया, हाँ। दिख रहा है ना? तो भवतः लड़कों के लिए और भवत्याः लड़कियों के लिए। तो चलिए अभी एक बार फिर से प्रश्न पूछ लीजिए चारुलता जी से। मम नाम रौनक, भवत्याः नाम किम्?
मम नाम चारुलता महोदया। अब आपका प्रश्न चारुलता जी। भवतः नाम किम? मम नाम अंशु, अहम् संस्कृतं पठामि। चारुलता महोदय, किं पठसि भवान्? रौनक महोदय, अहम् संस्कृतं पठामि। अहम् संस्कृतं पठामि। आपका प्रश्न रौनक महोदय। किं पठसि त्वम्? इससे आप एड्रेस भी करते जाइए कि आप किससे पूछना चाहते हैं, कपिल जी से कि चारुलता जी से या जिससे भी। किम पठसि त्वम्? अहम् अना समझ नहीं आ रहा। तुम भवान और भवती का उपयोग कैसे होगा? हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है। कपिल जी आप कुछ बताना चाहेंगे इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं? भवान आपको पुरुष के लिए कहना है और भवती आपको फीमेल के लिए कहना है, महिला के लिए कहना है। और उन दोनों का अर्थ क्या है? अर्थ है भवान मींस आप, और ये तुम मींस तुम। तो इतना अंतर है रौनक महोदय कि हम जैसे भवत्यः और भवत्याः हमने पिछले पृष्ठ पे आपने देखा कि उपयोग किया है ना, भवत्यः और भवत्याः। तो ये था आपका, आपका नाम क्या है, ठीक है? तो जब आप हम लगा रहे हैं तो ये आदर पूर्वक सर्वनाम है संस्कृत में। तो हम शुरू में ज्यादातर सब कुछ आदर पूर्वक भाषा सीख रहे हैं ताकि आपको ये चिंता की आवश्यकता ना हो कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं कि छोटे से बात कर रहे हैं कि बराबर वाले से बात कर रहे हैं। भवतः और भवत्याः यदि आपने लगाया तो उसका मतलब है आपका, तो वह हम किसी के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार ये जो भवान और भवती है ये आप है, आप। तो अब ये आप का नहीं है, ये सिर्फ आप है। तो अभी जैसे आप पूछना चाहते हैं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका का उपयोग तो नहीं है, सिर्फ आप बोलना है। तो अब भवान या भवती आएगा। फिर से वही है, भवान और भवती, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, किससे आप पूछ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उससे वो बदलेगा। लेकिन आप मान लीजिए त्वम उपयोग कर रहे हैं, तो अब त्वम जो है वो तुम है, तो त्वम आप हर किसी के साथ शायद ना उपयोग कर पाए, क्योंकि कोई बड़ा है या किसी से आप पहली बार मिले, तो हो सकता है आपको, होता है ना, हम अपनी भाषा में भी तो किसी को पहले सम्मान देने की कोशिश करते हैं कि जब तक हमको बिल्कुल ऐसे बहुत ही करीबी मित्र ना हो तब तक हम ऐसे तुम या तू ये सब बातें नहीं करते। तो इसलिए हम पहले आदर पूर्वक सर्वनाम सारे सीख रहे हैं। जी, ठीक है, तो चलिए अब आप अपना प्रश्न पूछिए। मतलब यही चीज आपको नहीं समझ में आई थी या कुछ और भी था तो पूछ सकते हैं? नहीं, यही था। ठीक है, चलिए बोलिए आपका प्रश्न। किम पठसि भवती? अहम् संस्कृतं पठामि। हाँ, तो अब ये बहुत अच्छा है कि ये हमारी ग्रुप डायनेमिक्स है, क्योंकि अपने अभी के समूह में चार लोग हैं, चारों में से एक ही चारुलता जी हैं जो स्त्रीलिंग हैं। तो जब आपने सीधे भवती पूछा तो उनको पता है कि उन्हीं से पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और क्योंकि ज्यादातर अधिकतर हम जब किसी से बात करेंगे तो आमने सामने होंगे। अब अभी कोविड वाला टाइम है तो थोड़ा अलग सिस्टम है, पर आमने सामने होंगे तो आप सीधे भवती बोलेंगे, तो जिससे पूछ रहे हैं उसको पता होगा कि आप उन्हीं से पूछ रहे हैं। अभी ये सिर्फ ऑनलाइन में हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि नाम ले, ताकि पता, थोड़े कई बार 5-6 लोग होते हैं कक्षा में, तो फिर बस किसको पता हो कि किससे बातें कर रहे हैं उसके लिए हम नाम ले लेते हैं, अन्यथा उसकी। अहम् पठामि संस्कृतम्।
हाँ आपका प्रश्न चारुलता जी। किम तम भवतः किम तम भवतः 88 किससे पूछ रही हैं भवतः कपिल महोदय की मुझसे? हाँ जी ठीक है, तो कपिल महोदय उत्तर दे देंगे। किम पठसि कपिल महोदय? अहम संस्कृतं पठामि। किम पठसि रौनक महोदय? अहम संस्कृतं पठामि। आपका प्रश्न रौनक महोदय, उत्तर देने के बाद अगला प्रश्न भी करना है जी, तो ना सेम प्रश्न वापस पूछना है? नहीं आवश्यक नहीं है, अभी जैसे आपको प्रश्न पे इस पन्ने पे दो तीन अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे पठामी है, लिखामी है, बदामी है, तो आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। या इधर दाईं तरफ देखिए तो आपको एक नया प्रश्न भी दिखेगा कि किम करोसी भवान, तो आप क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं की जगह आप सीधे ये पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तो अब वो ज्यादा खुला हुआ प्रश्न है। तो जो भी है कर रहे हैं वो अपना उत्तर दे सकते हैं, वो चाहे लिख रहे हो चाहे बोल रहे हो। किम करोसी भवती? अहम संस्कृतं वदामि। उत्तमम उत्तमम। अहम तीसरा सिखाइए क्या चारुलता जी? हाँ बोलिए क्या जवाब क्या हो सकता है? अहम संस्कृतम वदामि। नहीं आपने ठीक बोला ना, अहम संस्कृतम वदामि आपने। हाँ वदामि पठामि। वदामि तो आपने बोला, कोई भी इनमें से जो आप कर रही हैं वो बोल सकती हैं। तो चलिए अब आप प्रश्न पूछिए। किं तं पठसि? किससे? किं तं पठसि रौनक महोदय? अहं संस्कृतं पठामि। बराबर उत्तमम। और अब ये अंतर भी आपको थोड़ी सी इसका अभ्यास हो रहा है कि जब हम सामने वाले से पूछते हैं तो पठ सी लिख सी, जो सी वाला क्रिया में सी लगा देते हैं, और जब हम अपने खुद के लिए उत्तर दे रहे हैं या खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पठामी लिखामी आमी लगाते हैं क्रिया के साथ। तो रौनक कपिल महोदय आपका प्रश्न हो गया क्या? यस मेरा हो गया। उत्तमम। अभी यदि मुझे किसी को दिखाना है कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सह कृष्ण, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के संग, वो वाला सह अलग है तो उस पे अभी हम पहुंचे नहीं है वो तो। पर ये सिर्फ इतना है कि वो कृष्ण है, मैं दिखा रहा हूँ जैसे मैं कृष्ण जी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ मान लो, तो मैं किसी को बता रहा हूँ कि वो कृष्ण जी हैं, वो मूर्ति है कृष्ण जी की, सह कृष्ण। और उसी प्रकार लड़की के लिए हम सा उपयोग करते हैं, सह और सा राधा, सा चारुलता। तो यहाँ हम यदि कक्षा में बात करेंगे और मुझे वीडियो में आप चारों लोग दिख रहे हैं मान लीजिए, तो मैं बोलूंगा सह रौनक सह कपिल सा चारुलता महोदया। मम जवनिकायाम, तो अब ये एक नया शब्द है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर उसका अर्थ हम बात करते हैं।
मम जवनिकायाम सह कपिलः सह रौनकः सा चारुलता जी तो अब मम जवानी का मतलब कपिल जी हमने इस बारे में चर्चा की थी क्या जवानी का नहीं नहीं चारुलता जी आपको याद है नहीं अच्छा तो मम मतलब मेरा या मेरे या मेरी मेरा मेरी आप कुछ भी बोल सकते हैं और जवनी का मतलब मेरे स्क्रीन पे स्क्रीन पर्दा तो अब क्योंकि हम ऑनलाइन है इसलिए आपको मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है तो जब हम कक्षा चालू आरंभ करते हैं तो भी मैं कई बार पूछता हूँ सबसे कि मम जवनी का पश्यतु वा मतलब मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या तो कोई भी वाक्य यदि है और उसके अंत में हमने वा लगा दिया तो वो अपने आप प्रश्न बन जाता है तो ये एक बहुत आसान तरीका है प्रश्नों का संस्कृत में और वैसे प्रश्नार्थी शब्द और भी हैं जैसे अभी हमने किम सीखा था यहाँ पे किम पठसी किम लिखसी किम एक प्रश्नवाचक शब्द है और यदि आपको किसी और वाक्य में प्रश्नवाचक पूछना है जैसे मुझे पूछना है कि वो कृष्ण है क्या तो मैं इसमें सीधे पूछ लूंगा हम क्या बोलेंगे कपिल जी यदि मुझे पूछना है वो कृष्ण है क्या या वो रौनक है क्या सह कृष्ण है सह कृष्ण वा हाँ तो यदि आगे वा लगा दिया तो वो हो गया कि क्या वो कृष्ण है सह राधा वा सह चारुलता सा चारुलता वा तो यदि आपको सिर्फ ऐसे पूछना है कि ये वही है क्या पक्का करना है कंफर्म करना है तो किसी भी वाक्य में आप अंत में वा लगा सकते हैं तो वो प्रश्न बन जाएगा तो अभी यदि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे यहाँ इस पन्ने पे देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ रौनक महोदय और आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है नहीं होगा तो हम बात कर ही लेंगे सह ऋषि ही वा रौनक महोदय आम महोदय सह ऋषि उत्तमम उत्तमम अब आपका प्रश्न आप वही का वही प्रश्न भी पूछ सकते हैं और कुछ यदि बदलाव करना चाहें तो भी कोशिश कर सकते हैं पर अभी हम वा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसा कुछ पूछिए जिसमें वा आ जाए सह ऋषि वा अंशु महोदय सह ऋषि सह राधा वा कपिल महोदय न सह राधा न सह राधा न तो वो हम कपिल तो उत्तर पूरा हो जाएगा कि नहीं नहीं अभी क्योंकि मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या ये राधा है तो अब हमको दिख तो रहा है कि ये कोई ऋषि है पर ऋषि है उससे ये भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि शायद
पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो कम से कम राधा तो नहीं हो सकती। तो तब आप जब आपने बोला कि न सह राधा न, कि नहीं ये राधा नहीं है, अब एक और उपयोग है कि हम कभी कभी कुछ वाक्यों में अस्ति या ना अस्ति ये लगा सकते हैं, कभी कभी कुछ वाक्यों में वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती जबकि लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं जैसे हम कह रहे हैं ना कि सह कृष्ण या सा राधा अस्ति, अस्ति भी आप बोल सकते हैं, अस्ति का मतलब है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि नहीं भी लगाया तो भी वो सह राधा सॉरी सह कृष्ण या सा राधा वो एक पूरा वाक्य है, उसका मतलब फिर भी वही है, उसका अर्थ में वो राधा है या वह कृष्ण है वही आ रहा है अपने आप। पर फिर भी कभी कभी किसी किसी वाक्य में अस्ति या नास्ति का उपयोग होता है, तो आपको पता रहेगा कि है या नहीं है। यदि आपको कभी बोलना है तो अस्ति या न अस्ति का उपयोग किया जा सकता है, और हम जैसे धीरे धीरे चलेंगे आपको उसके और उपयोग भी मिलेंगे, सिखाता जाऊंगा। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कक्षा से निकलते हैं जाते हैं, और अधिकतर वो 5-5:15 के आसपास होता है जब हमारी कक्षा खत्म होती है, तो हम कहते हैं पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। क्या बोलेंगे हम रौनक महोदय? पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। क्या बोलेंगे कपिल जी? पुनः मिलामः। हाँ, तो आज जब हम निकलेंगे तब आप हम लोग सब ध्यान रखेंगे एक दूसरे से शिष्टाचार, ये सब शिष्टाचार है कि हम जब मिलते हैं तो हम नमो नमः करते हैं, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तब हम पुनः मिलामः कह के फिर निकलते हैं। अब संस्कृत में कई ऐसे शब्द होते हैं जो हम दूसरी भाषाओं में नपुंसक लिंग मानते हैं, पर संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नपुंसक लिंग नहीं है, जैसे नदी। या यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेखनी, मतलब पेन, या हम जिस भी चीज से लिख रहे होते हैं, तो लेखनी जो है वो भी आप देखेंगे कि सा उसमें उपयोग हुआ है, तो सा मतलब स्त्रीलिंग है, और नदी भी सा नदी होती है। यदि कोई चीज नपुंसक लिंग है तो उसके साथ हम तत् लगाते हैं, तो जैसे मुझे बोलना है तत् फलम, मेरे पास कोई फल रखा है और मैं उसको दिखा के बोल रहा हूँ तत् फलम, तो उसका मतलब वही है कि वो फल है, पर वो जो है क्योंकि अब नपुंसक लिंग है और आपको पता है कि वो नपुंसक लिंग है, तब आप उसको तत् लगाएंगे, तब उसमें हम सह फलम या सा फलम नहीं कह सकते। और एक और विशेषता है कि अधिकतर नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में म आता है, म पे वो खत्म होते हैं, जैसे पुस्तकम, फलम, जलम, शास्त्रम, शस्त्रम, शास्त्रम, ये जितने भी आपको सुनने मिल रहे हैं ये सब नपुंसक लिंग है। और उसी प्रकार अधिकतर स्त्रीलिंग शब्दों में आ या ई इन पे अंत होता है, तो उनको आकारांत या ईकारांत शब्द कहते हैं, जिन पे अंत होता है उसका उससे उसका नाम भी पड़ा है, आकारांत मतलब आकार, कार अर्थ है, कार का अर्थ किसी को मालूम है? जैसे हम बोलते हैं ओमकार, तो वो कार क्या है? ध्वनि, 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 उत्तमम। तो ओमकार मतलब ओम की आवाज, ओम की ध्वनि। जैसे हम बोलते हैं जयकार, जयकार सबने सुना होगा, जयकार मतलब जय की ध्वनि, जय का घोष, जय की आवाज, जय जयकार,
तो इसी प्रकार आकारांत या इकारांत का मतलब है आकार, जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि है ऐसे, और वो भी कहां पे, अंत में, तो इसलिए वो आकारांत बोलते हैं उसको, आकारांत। आकारांत कौन सा है? राधा आकारांत है, चारुलता जी भी आकारांत नाम है, ईकारांत भी काफी लड़कियों के नाम होते हैं, जैसे वैभवी, मीनाक्षी, वैभवी, लक्ष्मी, तो बहुत अधिकतर लड़कियों के नाम आ या ई पे ही अंत होते हैं। और उसी प्रकार पुल्लिंग शब्दों में हम जो अह, अह का, अह की ध्वनि अंत में आती है अधिकतर। अब ऐसा नहीं है कि सब में आएगी, जैसे मेरे नाम में आपको नहीं मिलेगा, मेरा नाम उ पे अंत होता है, अंश। पर अधिकतर पुल्लिंग शब्दों में कृष्ण, रौनक, कपिल, रामकृष्ण, विवेकानंद, विवेक, आपको बहुत सारे अह पे अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द मिलेंगे, तो उनसे पहचानना आसान होता है। पर फिर भी हम धीरे धीरे जैसे सीखेंगे हम पता लगाते जाएंगे कि कौन सा शब्द हम पुल्लिंग में बात करते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अंत में जो लगता है इसको विसर्ग कहते हैं, अधिकतर शायद आप लोगों को पता होगा विसर्ग या फिर अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो बिंदी हम लगाते हैं, और विसर्ग जो है अह की ध्वनि है अंत में। तो अब मैं थोड़ा सा लंबा वाक्य पूछ के देखता हूँ, और आपको, मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ में आएगा। कपिल महोदय, भवान गृहे संस्कृतम वदसि वा? आम। तो मैंने पूछा कि, मैंने क्या पूछा आप वो भी बता दीजिए, और फिर अपना प्रश्न कीजिए। आप क्या संस्कृत सुन रहे हैं? हाँ, मैंने वदसी पूछा, तो मतलब क्या आप घर पर, मैंने पूछा था ना गृहे, तो मतलब क्या आप घर पर संस्कृत बोल रहे हैं? बोल, ओके। वदसी मतलब बोलना, वदसी बोलने का है। यदि सुनने की हम बात कर रहे होते तो उसमें शुनो, शुनोसी बोलना होता हमको। ये सुनना है, जैसे हमने लिखना, पढ़ना, बोलना, ये तीनों चीजें समझ ली थी पिछले प्रश्न पे भी, लिखसी, पठसी, वदसी, वैसे श्रुणोसी। यदि सुनना है मैं पूछ रहा होता तो मैं ये बोलता। तो आपने बोला आम, चलिए अब आप अपना प्रश्न पूछिए रौनक जी से या चारुलता जी से। भवत्याः, चारुलता जी, भवत्याः गृहे, भवती गृहे संस्कृतं वदसि? भवती गृहे संस्कृतं वदसि? मम गृहे संस्कृतं वदामि। उत्तमम् उत्तमम् चारुलता महोदय, भवत्याः प्रश्न। त्वं गृहे संस्कृतं वदसि रौनक महोदय? आम महोदय, मम गृहे संस्कृतं वदामि।
उत्तमम 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 अति उत्तमम अति उत्तमम धन्यवाद। अब एक और चीज है कि जब भी हमको कोई छोटी मोटी यदि मान लीजिए कहीं कुछ त्रुटि होती है कहीं गलती होती है तो हम तुरंत क्षम्यताम कह सकते हैं, क्षमा कीजिए के लिए क्षम्यताम। और यदि कोई एक ही मनुष्य है मान लो आपके आसपास तो फिर आप क्षमस्व भी कह सकते हैं। क्षम्यताम मतलब सभी से क्षमा, और क्षमस्व भी उसी का एक रूप है। ठीक है, मान लीजिए आप कक्षा में कभी देर से पहुंचे या जल्दी जाना है और आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे क्षमा मांगने का मन हो रहा है तो आप उसका बिल्कुल कभी भी उपयोग कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप में आप यदि उसके विवरण पे जाएंगे तो उसके टाइमिंग्स जो समय हैं अपने इस कॉल के इस मीटिंग के वो भी लिखे हुए हैं। और दोनों दिन शनिवार रविवार दोनों दिन शाम को 4 बजे हम लेते हैं। तो आज हम एक श्लोक की पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब कपिल महोदय डिस्कवर पुनरावृत्ति तो मतलब पुनः आवृत्ति। यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा भी हुआ है, ये लिखिए। तो पुनः मतलब फिर से, आवृत्ति मतलब आवृत्ति का असली मतलब तो होता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन आवृत्ति का मतलब ये भी है कि हम एक बार फिर से देख रहे हैं या फिर से सुन रहे हैं या फिर से कर रहे हैं। पुनरावृत्ति मतलब एक बार रिवीजन, जिसको हम इंग्लिश में लोग रिवीजन कहते हैं, ये वही चीज है। तो यदि आप लोग पेन पेपर कुछ पेंसिल कागज कहीं पे लेके बैठे हैं और नहीं तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इस श्लोक को हम पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे और फिर बोल के देखेंगे और साथ में समझेंगे भी बोलते बोलते। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तो कोई इसका अर्थ बोलना चाहेगा, किसी को पहले से मालूम है तो आप बोल भी सकते हैं। रोज रोज वृद्धों का आदर करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। और घर में जो वृद्ध हैं उनका आपको आवाज आ रही है रौनक महोदय? जी महोदय, वो कॉल ड्रॉप हो गया था। हाँ, चारुलता जी आपको आवाज आ रही है? चारुलता महोदय का माइक नहीं दिख रहा, वीडियो तो दिख रहा है, मतलब कैमरा दिख रहा है पर माइक नहीं दिख रहा। ठीक है, लॉगिन हो रहे होंगे शायद। है ना, अभिवादनशील से मतलब तो हो गया अभिवादनशील का। हाँ, तो अभी जो लोग अभिवादनशील हैं और नित्य हमेशा वृद्धों की सेवा करते हैं, वृद्ध उपसेविनः बड़ों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों का चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उनकी बढ़ती हैं। चत्वारी चार उनकी वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबल। हाँ, आयुर्विद्या यशोबलम। तो बहुत ही अच्छे उपयोगी श्लोक है, अच्छे अर्थ वाला श्लोक है, जो बच्चों को भी और किसी को भी सिखाया जा सकता है, कोई भी याद कर सकता है। और ये ना मैंने पढ़ा है ये स्कूल में। हाँ, ये विद्यालय में पक्का आया होगा, वो सुभाषित जो हमारे पुस्तकों में होते हैं उनमें ये आता है पक्का। हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। सिर्फ ये है कि अब क्योंकि संस्कृत कई लोग बहुत दिनों बाद सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं फिर से,
तो अब कुछ कुछ चीजें फिर से याद आ जाती हैं तो भी ध्यान में आ जाते कि अरे हाँ ये तो भूल गए थे, चलो अभी याद करने का फिर से एक बार अवसर मिला है। तो चलिए अब आप भी एक बार बोल के देख लीजिए, बाकी लोग जब बोल पाएंगे तो बोल लेंगे। और आपने लिखा क्या कहीं पे? जी ना, मैंने लिख ली पहली लाइन तो दूसरी लाइन लिखा। हाँ। मैं बोलूं इसे? हाँ बिल्कुल बोलिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उत्तमम्। तो आप लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे 10 मिनट ही बचे हैं, फिर आज ये गोष्ठी शुरू होने में थोड़ा सा समय लगा था शुरू शुरू में, तो इसलिए हम 15 मिनट आगे जा रहे हैं। और हमने थोड़ा सा इसको इसकी गति बढ़ाने के लिए एक और चीज की है रौनक महोदय, कि जो सोमवार से शुक्रवार के बीच के दिन होते हैं इनमें भी शाम को 6:30 बजे सिर्फ विषम दिनांकों पे, ये ना 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर्स वाली जो तारीखें हैं उनमें हम शाम को 6:30 बजे इसी कक्षा को भी चलाते हैं। तो यदि आप उसमें भी आ पाएंगे तो और मतलब फिर जो हम बढ़ी हुई गति के साथ कर रहे हैं उसमें भी आप शामिल हो पाएंगे। और यदि किसी किसी बार मान लीजिए नहीं भी आ पाए तो वीडियो तो फिर भी पहुंच ही जाएगा, तो मतलब उसकी आपको चिंता नहीं है, ग्रुप में शाम को वीडियो मिल जाएगा। या अगले सुबह, कई बार होता है शाम को मैं ज्यादा व्यस्त हो गया या कुछ हो गया तो फिर मैं अगले दिन दोपहर के पहले पहले कभी ना कभी डाल देता हूँ। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वो प्लेलिस्ट में ना सब पूरे तारीख के हिसाब से जमे हुए हैं वीडियोस। तो आप यदि पहला चलाएंगे तो अपने आप वो दूसरा तीसरा चौथा कक्षा में जो जो हुआ था वो सब अपने आप एक के बाद एक वीडियोस चल पड़ेंगे। तो वो प्लेलिस्ट की भी लिंक हम अभी वीडियो डालने के बाद भेज देंगे ग्रुप में, बीच बीच में आती रहती है, शायद आपने पहले भी देखी होगी। पर प्लेलिस्ट की हम बीच बीच में डाल देते हैं ताकि कोई भूल भी गया हो या वो मैसेज कभी मिस हो जाते हैं तो भी फिर से वो याद आ जाएगा। तो या तो प्लेलिस्ट देख ली या फिर आज का कोई इंडिविजुअल वीडियो है, वो दोनों की अलग अलग लिंक रहेंगी, जो चाहे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लगता है कपिल जी, अरे कपिल जी तो आ गए, चारुलता जी अदृश्य हो गई। कपिल जी आपने लिख के देख लिया ये श्लोक? नहीं लिखा तो नहीं, मेरे पास अभी पेन पेपर नहीं है। चलिए तो आप बोल के देख लीजिए। हाँ बोल के और उसका अर्थ यदि आप साथ में बोलना चाहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। अभिवादन शीलस्त नित्यम वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धनते वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन शीलस्थ नित्यम वृद्धोपसेवनी, जो वृद्धों की सेवा करता है अभिवादन करता है, उनका शील हमेशा शील अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, अभिवादन शील एक प्रॉपर्टी है या मतलब एक विशेषता है, ठीक है। तो अभिवादन शील किसी का कोई वृद्धों का करता है उसका चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि का अर्थ नहीं पता, आयु जिस उसका यश आयु विद्या बल उसको बल मिलता है वो बढ़ता है का, जो बुजुर्गों की सेवा करता है, क्या ये अर्थ होगा? हाँ, ये चार तो चत्वारी मतलब चार, चत्वारी जो है संस्कृत में चार को चत्वारी बोलते हैं। तो उसकी ये चार चीजें बढ़ती हैं,
आयुर्विद्या यशो बलम, तो आयु विद्या यश और बल। सही, ठीक है। तो ये बड़ा, ये पहले शब्द का अर्थ मैं क्लियरली नहीं समझ पाया था, अभिवादन शीलस्थ, शीलस्य या शीलस्थ जो भी। हाँ, तो अब शीलस्य ये जो है षष्ठी विभक्ति है, अस्य किसी भी शब्द के अंत में लगा अधिक, अस्य जो है किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगता है, जैसे राम, बालक। आपका नाम भी अकारांत है, तो हम यदि मुझे यदि बोलना होगा कपिल का घर, तो मैं बोलूंगा कपिलस्य गृहम, तो कपिल जी का घर। तो अस्य जो है ये है का, के, की, किसी भी शब्द के अंत में ये लगा दिया तो ये उसका या उसकी वो अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस शब्द का अर्थ है अभिवादनशीलस्य, मतलब अभिवादनशील जो मनुष्य है उसका, और जो मनुष्य नित्य वृद्धों की सेवा करता है उसका। तो मतलब कुल मिला के वो वाक्य का अर्थ है कि जो लोग नित्य हमेशा वृद्धों की सेवा करते हैं और अभिवादनशील होते हैं वृद्धों के लिए, उनका। अब उनका क्या, तो अब उसका जो उत्तर है वो अगली पंक्ति में है कि उनका क्या, चार चीजें बढ़ती हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। तो चार चीजें उनकी बढ़ती हैं, क्या क्या चीजें, आयु, विद्या, यश और बल। अभी समझा? कपिल जी आपकी आवाज चली गई, ये शायद म्यूट पे चले गए। हाँ, म्यूट पे था। अभी आ गया, अभी समझ गया ना आपको? जी जी बिल्कुल। और ये श्लोक बहुत ही सीधा साधा सरल सा श्लोक है, किसी को भी आप, छोटा बच्चा भी है उसको भी याद करवा सकते हैं, और इसका जो संदेश है वो बहुत अच्छा संदेश है। तो शुरुआती श्लोकों में जब हम मानते हैं कि हम किसी को नया नया सिखा रहे हैं संस्कृत, तो ये शुरुआती श्लोकों में हम बिल्कुल हमेशा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सीखने के लिए भी अच्छा है, और जिस बच्चे को मान लो समझ में आ गया कि बड़ों की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आशीर्वाद मिलता है, तो आपके अपने आप ये सब चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल, वो अपने आप बढ़ेगा, मतलब उसके लिए आपको कुछ अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं। ये बच्चों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए मैं सिखाता हूँ। तो अब हम, अब 5:15 हो गया है, तो एक ये तालिका है, आपको यहाँ पे तालिका जैसी एक दिख रही होगी, तालिका का अर्थ है टेबल, जो हम इंग्लिश में या मैथ्स में टेबल कहते हैं, ये उसी तरह का एक टेबल जैसा है तालिका। तो ये तालिका मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको कहीं पे बना सकते हैं, कागज पे पेन, पेपर पेन लेके, या मोबाइल पे भी ड्राइंग एप्स होती हैं कई कई मोबाइल पे, उसमें भी बना सकते हैं। पुल्लिंग सह, अभी हमने देखा था एक दो पन्ने पहले, पृष्ठ पहले, कि जैसे सह राम कृष्ण या सह कृष्ण, सह हंस, सह कपिल, सह रौनक। तो जब भी पुल्लिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम सह लगा देते हैं जब भी हमको वो कहना है कि वो रौनक है, वो कपिल है, वो राम कृष्ण है। सह वृक्ष, तो वृक्ष भी अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि वृक्ष भी संस्कृत में पुल्लिंग की तरह देखा जाता है, तभी हम सह वृक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी का यदि मुझे प्रश्न करना है, तो एक प्रश्न करने का तरीका क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यदि मुझे पूछना है कि ये वृक्ष है क्या, तो मैं क्या बोलूंगा रौनक महोदय? तत् वृक्ष वा। हाँ, तो अब तत् जो है, तत् तो हम नपुंसक लिंग के लिए उपयोग करते हैं, अब क्योंकि आप वृक्ष बोल रहे हैं तो आपको बोलने में भी पता चल रहा है कि वो वो पुल्लिंग है, तो आपको सह वृक्ष वा पूछना पड़ेगा,
पर आपने एक बहुत ही उपयोगी चीज भी बात की अभी कि जब भी हमको नहीं पता कि किस चीज किसी चीज का क्या लिंग है, मान लो हमको नहीं पता कि वो कोई चीज क्या है, मुझे जस्ट पूछना है कि वो क्या है, तो तब मैं तत् किम पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं है कि वो चीज क्या है, तो तब नपुंसक लिंग लगा सकते हैं आप जी। लेकिन यदि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यदि ये पता है तब आप उसके साथ सह या सा जो भी वो चीज है उसके हिसाब से वो ही लगाएंगे, तो ज्यादा मतलब तब ज्यादा शुद्ध संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो वो था जो अभी आपने बोला कि सह वृक्ष वा, और दूसरा तरीका है, पर वो प्रश्न भी थोड़ा सा अलग है, जब मुझे प्रश्न करना है कह वृक्ष, या इसका मतलब है कि कहाँ कौन कौन सा है, कह मतलब कौन, जैसे चार लोग खड़े हैं, अब मुझे पूछना है कि इनमें से कपिल कौन है, तो मैं पूछूंगा कह कपिल। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा बदल गया, अभी मैंने ये नहीं पूछा कि सह कपिल हवा, मतलब मैंने पहले से अंदाज लगा लिया था कि वो कपिल है क्या, मैं ये पूछने की जगह मैं थोड़ा ओपन प्रश्न पूछ रहा हूँ, थोड़ा खुला हुआ प्रश्न है कि कौन सा कपिल है इनमें से, तो तब मैं आराम से पूछ सकता हूँ कह कपिल या फिर का चारुलता, तो चार पांच लोग खड़े उनमें से चारुलता जी कौन सी है मुझे पता करना है, तो मैं बोलूंगा का चारुलता। तो जैसे सह का प्रश्न कह होता है, वैसे ही सा मतलब स्त्रीलिंग, उसके लिए प्रश्न होगा का, कह या का। अन्ना, इसका लिटरल मीनिंग कौन होता है या कौन सा कौन होता है? कौन कौन, और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है संस्कृत में कि आप यदि पूछ रहे हैं कि कौन कपिल है, तो उसको हम हिंदी में कई बार कौन कपिल है या फिर कौन सा इनमें से कौन सा कपिल है ऐसा हम मान लेते हैं, पर संस्कृत में उन दोनों उपयोगों के लिए आप सीधे कह कपिल सीधे पूछ सकते हैं, मतलब वो दोनों के लिए अलग अलग वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसका अर्थ वही है कि इनमें से कौन कपिल है। यदि मैंने पूछा कि एक प्रश्न है, हाँ भगवान, मेरा ना फोन बंद होने वाला है, एक मिनट मैं इसको चार्ज लगा लूं। हाँ जी अन्ना, एक प्रश्न है कि हम लोग भवतः और भगवान का उपयोग कहाँ कैसे अलग अलग करते हैं, मीन्स कहाँ पे भवतः का उपयोग होना है, कहाँ पे भगवान का उपयोग होना है? भवतः मतलब भवतः और भवत्याः मतलब आपका, तो जब मुझे पूछना था कि आपका नाम क्या है, तब मैंने बोला कि भवत्याः नाम किम या भवतः नाम किम रौनक महोदय, है ना, तो ये इसमें का वाला जो प्रीपोजिशन है जिसको हिंदी जिसको अंग्रेजी में हम प्रीपोजिशन कहते हैं, तो ये जुड़ा हुआ है, आपका है ये, लेकिन भवान या भवती सिर्फ आप है, वो आपका नहीं है। तो जब मुझे पूछना था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसलिए पूछा कि किम पठसी भवान, यदि यहाँ पे मैं किम पठसि भवतः पूछने लगता तो उसका क्या मतलब हो जाता कि क्या पढ़ रहे हैं आपका, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं आपका क्या पढ़ रहे हैं कैसे पूछूंगा, नहीं पूछूंगा ना जी अन्ना, तो इसलिए भवतः हम यहाँ उपयोग नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे सिर्फ आप पूछना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाम था वो आपका नाम है, इसलिए मैंने भवतः या भवत्याः लगाया। जी अन्ना जी, समझ गए, है ना। ठीक है, वो धीरे धीरे उपयोग के साथ आपको
अभ्यास हो जाएगा क्योंकि वो नए शब्द हैं दोनों, भवान भवती भवता भवत्या, चारों के चारों, तो कभी कभी थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है और चलता है। हर भाषा में सीखने के समय आदत अभ्यास होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो कोई मुश्किल नहीं। हम जैसे जैसे कक्षाओं में आगे बढ़ते जाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये चीजों की ना हम आप या आपका जो है सुबह शाम हम कक्षा में जितनी बार बैठेंगे 10 अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे, हम हर बार उनका उपयोग करेंगे किसी ना किसी तरह से। जैसे मुझे पूछना है रौनक महोदय भवतः गृहम कुत्र अस्ति, मम गृहम किशनगढ़ अस्ति। हाँ, तो अब आप समझे कि मैंने पूछा आपका घर, तो आपका मुझे पूछना ही है तो मुझे आप भवतः गृहम पूछना ही पड़ेगा जी। और फिर आपने बोला कि मम गृह गृहम किशनगढ़े अस्ति, किशनगढ़े। तो ये चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे, पर ये बहुत आम उपयोग की चीज है कि जब भी हम मैं अपने नगर का नाम बता रहा हूँ तो उस नगर में रहता हूँ मैं बोलूंगा ना, तो किशनगढ़ है जो अंत में ए की मात्रा लगा दी तो वो में या पर हो जाता है। जैसे अभी हमने का के की वाला सीखा था, वो कब होता है, वो अस से लगा दिया शब्द के अंत में तो वो का के की हो जाता है, अधिकरण। हाँ हाँ, तो उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति जो आपने किशनगढ़ है यदि बोला तो वो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी में मे या पर, मे पेपर। तो उत्तमम भवान राजस्थान राज्य अस्ति, धन्यवाद मन्ना। तो अब आप समझ गए थोड़ा थोड़ा, और ये भवान भवतः जो है खूब उपयोग होने वाला है, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए, पर हाँ अभ्यास हो जाएगा तो और मजा आएगा और आनंद आएगा। ठीक है, और ये तालिका जो है सह का प्रश्न कह होता है, और इसी तरह ये अंत में जो आपको दिख रहा है एषः, तो ये है, जैसे सह जो है वो है, वैसे ये एषः वाले जो है एषः एषा और एतत्, इन्हीं तीनों में आप शुरू में ए लगा दीजिए समझ लीजिए तो वो बन जाता है, तो वो की जगह ये बन जाता है। तो जो भी चीजें हमारे हाथ की दूरी के अंदर हैं, कपिल महोदय रौनक महोदय और चारुलता जी, हाथ की दूरी के अंदर जितनी चीजें हम अधिकतर उनको बोलते हैं ये, तो वो क्योंकि हमारे पास में है, और उससे थोड़ी भी दूर यदि कोई चीज है तो फिर वो हो जाती है, वो ये नहीं रहती। तो जब भी हमको ये बोलना है, जैसे एषः संगणक यंत्रम, तो मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर को हम संगणक यंत्र कहते हैं या संगणक भी कहते हैं संस्कृत में। तो ये मेरा कंप्यूटर जिससे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, या फिर यदि आपको मेरा वीडियो दिख रहा है तो एषः मम दूरवाणी, तो ये मेरा फोन है क्योंकि ये मेरे हाथ में है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ। लेकिन यदि कहीं दूर रखा होता, मान लो अब मेरा टीवी कहीं दूर रखा है और रखा है सामने, तो तब मैं बोलूंगा तत मम दूरदर्शनम, तो तत क्योंकि वो दूर है, लेकिन यदि वो पास में होता तो मैं बोलता एतत, एतत या एषः, जो भी उसका लिंग है उसके हिसाब से। यदि आपको लिंग नहीं पता है तो आप एतत बोल सकते हैं, एतत मम दूरवाणी। ठीक है, तो चलिए आज ये तालिका हमारी पूरी हो गई, इसका अर्थ भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ गया, और हर अगली कक्षा में हम पिछला भी थोड़ा थोड़ा पुनरावृत्ति करते रहते हैं, जो भी आपके प्रश्न है उनका निवारण भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं, पुनः मिलामः, सर्वेषां नमो नमः, पुनः मिलामः, कक्षा समाप्तं करोमि, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः, पुनः मिलामः, नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार।